गाइस वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग ऑफ केदारनाथ ट्रिप। तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से सोनप्रयाग के लिए। वहाँ से अपना ट्रैक चालू करेंगे केदारनाथ का। सब लोग रेडी हो चुके हैं नहा धो के एकदम मस्त। अभिषेक भाई कितने घंटे का ट्रैक होने वाला है? 10 घंटे का ट्रैक। अभिषेक भाई पहले आ चुके हैं और 10 घंटे का ट्रैक बता रहे हैं। वो तो जाके ही पता लगेगा कि 10 घंटे का होगा कितने घंटे का होगा। वो तुम्हारे ऊपर है ना, आप कितना ऊपर से तुम्हारे बस की है करना नहीं है। ये देखो, जब देखो हो गया सारा काम, लग गया सारा सामान। चलो ये रहेगा। अनुभव भाई कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट में हो जाएगा ना पक्का। जरूरत नहीं पड़ेगी इंतजार करने की। चलो ठीक है, यही बैठे हैं तो मिलते हैं ट्रैक पे। तो गाइस अब निकल रहे हैं ऊपर के लिए और कोल्ड स्टार्ट दे दिया हमने बाइक को। तीनों बाइक स्टार्ट दे दिया है, इसको भी दे दिया है, डोमिनार को भी दे दिया है 400 को और 250 को भी दे दिया है। तो कितना किलोमीटर है अभी कितना? 16 किलोमीटर बचा है। 16 किलोमीटर तो बाइक से जाएंगे वहाँ पार्किंग में। सोनप्रयाग में पार्किंग में बाइक खड़ी करनी है, सेकंड वाली पार्किंग। वहाँ फिर कुछ छाना है, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करना है। सेकंड फ्लोर पे खड़ा करना है। चलो डिसाइड हो चुका है, निकल रहे हैं। वाटर प्रूफ वगैरह जैकेट सब पहन लिया, रेनकोट वगैरह पहन लिया है अपना। बस ट्रैक शुरू करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे जैसा भी होगा। बाकी बाइक स्टार्ट हो गई है आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई है। खाना वाना सब ऐसा ही है यहाँ पे, ज्यादा तो है नहीं तो ऊपर ही जाके खाएंगे। भरने वाली बात है, बाकी अब जा रहे हैं हाइड्रेशन वगैरह के लिए, पानी वानी खरीदेंगे और जो भी मिलेगा। बाकी फिर ट्रैक शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे कि आज ही वापस आ जाए क्योंकि कल हमें टुंगनाथ के लिए भी निकलना है। अभी हमने सोचा है कि मतलब कि हम टुंगनाथ का प्लान कर रहे हैं, अब अगर जाएंगे तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं सीधे ट्रैक पे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. तो हमने अपना पहला माइन इंस्टॉल कंप्लीट कर लिया है। हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। इस टाइम करना है बाइक से सोनप्रयाग पहुंच। एक ये माइलस्टोन था कि हाँ लिटरली अब बाइक से राइड करके केदारनाथ पे ट्रैक करना है। हाँ, दूसरा माइलस्टोन हमारा रहेगा हम केदारनाथ पे ट्रैक करना है। तो सोनप्रयाग से पहले ही हम कार पार्किंग और बाइक पार्किंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे 50-12 घंटे के लेते हैं लोग। हाँ, 50 रुपये बाइक के लिए, 50 रुपये 12 घंटे। हाँ, मतलब गाड़ी का अलग है, बस का अलग है। तो हर व्हीकल का प्राइस डिफरेंट है। वहाँ से वो मिलती हैं टैक्सी जो वहाँ तक लेके जाएंगी गौरीकुंड। हाँ, यहाँ से टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड तक के लिए। अब वो देखना पड़ेगा कहाँ से मिलेगी। ओ भाई पूछना पड़ेगा टैक्सी के लिए, तो पूछ लो कहाँ से मिलेगी टैक्सी, कहाँ से मिलेगी। पैदल थोड़ी जाएंगे। पर्ची किसी की पर्ची कटानी है? मैं पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता। मैं भी तो पहली बार हूँ, मेरे को भी नहीं पता कि क्या आइडिया है, क्या सीन है, क्या सीन है यहाँ पर। अभिषेक ही बताएगा, वही पहले आ चुका है।
अपने को तो कुछ पता नहीं क्या सीन है। देखो यार ये तो इतने से मेरी हालत खराब हो गई और चढ़ना नहीं क्या होगा। अरे चढ़ेंगे चढ़ेंगे मजा आएगा आज, हाथ पैर टूटेंगे अच्छे खासे, इसलिए हम फिजियोथेरेपिस्ट को साथ में लेके आए। जहाँ कोई दिक्कत हो वहीं पे हाथ पैर मोड़ मार के सीखते हैं। हाँ वहीं पे स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम स्टार्ट। हाँ क्वाड की शोल्डर की जो करना है करो। वैसे यार अगर आप ट्रैवल कर रहे हो हाँ तो आई प्रेफर कि एक ही दिन में यहाँ पहुँच जाओ आसपास, मतलब रात को 8-9 बजे तक सुबह खाना ना खा के आराम करो तो हाँ और सो जाओ और आराम से। दो दिन में यहाँ पहुँचने का कोई मतलब नहीं है। हाँ जितना पॉसिबल हो पाए अगर कर सकते हो तो ही करना है, तो ही करना है। हाँ वरना कोई मतलब ही नहीं है। हमारे साथ तो इंसिडेंट कुछ ऐसे हो गए थे। हाँ ये तो है। तो अभी टैक्सी मुझे नहीं लग रहा है। आ गई है तो आगे ही टैक्सी मिलेगी 200 मीटर पे टैक्सी। गौरीकुंड के लिए और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं ट्रैक करने के लिए, एक्साइटमेंट झलक रही होगी। चलो जी भोलेनाथ जी चलो जी हो गया जल्दी, अब चढ़ाई स्टार्ट करो दो बस। बस चढ़ाई स्टार्ट करनी है जल्दी, पहले कुछ भरना है भर के फिर करेंगे भाई। सब बन गया आप चलो पहले भरना, आपका पीसी फुल होगा। चलो भैया सब फुल हो गए, फुल हो गए, फुल हो गया। आपस गाड़ी मोड़ो जल्दी से, आपको मिसिंग पार्ट मिल गया आपका। हाँ जल्दी कराओ ये टैलेंट है। तो अभी हम ऊपर गौरीकुंड पहुंच चुके हैं यहाँ पे कार से। अब यहाँ पे थोड़ा पराठा वराठे खा लें ढंग से, उसके फिर खा के निकलते हैं। बहुत लंबा ट्रैक होने वाला है। हाँ लेट ही पहुँचेंगे सही में। स्टे करना पड़ेगा ना ऊपर ना। तो जिस हिसाब से लग रहा है कि शाम को 6-7 बजे करीब पहुंचेंगे ट्रैक करके, तो रात को स्टे वहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस हम निकल चुके हैं ट्रैक के लिए। वो इतना बड़ा चूजे था वो कूदा भी नहीं।
मैं क्या करूँ। कूदता था पैदल तो जहाँ लैंड होता है ना वहाँ खुद फिसलता हुआ जा रहा है फिर। हाँ तुम आओ भैया पहले हाँ, ये नहीं देखते। अरे क्यों देखे हम पे घोड़े बैठे हो ना यार। तो अब हमारा निकल चुका है एकदम। ये एक पॉइंट है यहाँ पे हमने बेस्ट करा है और हमें वहाँ मुझे हाँ वो लास्ट पार्ट दिख रहा है ना वो बिल्कुल ज़ूम कर वो लास्ट जो ये पॉइंट दिख रहा है ना ये जो पॉइंट दिख रहा है लास्ट यहाँ जाना है हम लोगों को वहाँ जाना है और पैर अभी से जवाब दे रहे हैं। और अभी हमने कितना ट्रैक करोगा मुझसे सर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर चलो 4-5 भी कर लिया पर दम निकल चुका है कोई बात नहीं। मेरा मेरी हर्ट की बीट धक 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 हो रही है S1 S2 लगी पड़ी है उन दोनों की। मॉडरेट हो गई है चढ़ाई पहले थोड़ी आसान थी आसान थी मॉडरेट है बिल्कुल देखना आगे कैसे मिलेगी बट हाई अलर्ट पे है अभी फिलहाल केदारनाथ हाई अलर्ट बारिश होने के चांसेस हैं और हल्की हल्की ड्रिजलिंग हाँ ड्रिजलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। चले चलो डायरेक्ट अगर डायरेक्ट किसी को दर्शन करने हो तो यहाँ से कर सकते हैं। हाँ अगर किसी को डायरेक्ट दर्शन करने हो तो ये भी इस पॉइंट से नीचे पहुँच सकते हैं। हाँ ये बहुत गहरी वैली है डायरेक्ट भगवान जी के दर्शन करा देगा और डायरेक्ट घर जाना हो ना वो भी डायरेक्ट घर जा सकता है। यार मैं पैर नीचे रखता हूँ बैठने गाइस बारिश ने सारा मूड खराब कर दिया है और यहाँ का मौसम इतना सेक्सी हो रहा है इस टाइम मैं बता नहीं सकता। ट्रैक कर करके हम परेशान हो चुके हैं और घोड़ों वाले से तो बच के रहना ये साइड ना मार दें साइड मिरर लगवा के सही में इन लोगों ने तो परेशान कर दिया है साइड मिरर। हाँ यहाँ पर अगर केदारनाथ आ रहे हो तो साइड मिरर रियर मिरर सब लगा के आना सीरियसली परेशान कर दिया है। रास्ता है छोटा और यही सेम जैसे वैष्णो देवी में काफ़ी चौड़े चौड़े रास्ते हैं ट्रैक करने के लिए और यहाँ पे यही एक छोटा सा रास्ता है इसी पे चलो यहीं इसी पे बैठो और निकल गए हैं जाना आना भी इसे जाने का भी रास्ता है आने का भी यही रास्ता है और घोड़े भी इस पर चलेंगे पैदल वाले भी इस पर चलेंगे मतलब हद कर रखी है। ये नहीं कि कोई रास्ता बना दें नया कर दें कुछ कर दें क्यों बिल्कुल हद कर रखी है। हाँ बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है। ये वो वाला केजरीवाल सीन हो गया कि तब करना करना आगे रास्ते आगे पूछ रहे हैं। हाँ अब कर ही लेते हैं आगे अब कर ही लेते हैं अभी ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लगेंगे। हाँ अभी टाइम हो रहा है अभी बज रहा है 1 हम पहुँचेंगे ऊपर 7 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। पहुँच गए फाइनली दर्शन करने जा रहे हैं। रात काफ़ी लेट हो गए थे हम तो उसकी वजह से हम आते ही सो गए। रात को ठंड में हालत ख़राब हो गई। हाँ बहुत ज़्यादा 3 डिग्री टेम्परेचर रात को टेम्परेचर -2-3 डिग्री पहुँच गया था और पूरी रात बारिश पड़ी है अब भी बारिश पड़ रही है। अब बारिश ने ना इतना मज़ा ख़राब कराया ना ट्रिप का बस इसमें बारिश वैसे मिली हमें यहीं पे। हाँ मिली यहीं पर है ऊपर पूरे रास्ते बारिश नहीं मिली है पर ऊपर इतनी बारिश मिली है ना व्यू देखो जरा। हाँ व्यू तो भाई लोग चल दिए मंदिर के लिए ओम्बाल। पहुंच गया मंदिर फाइनली
दर्शन दर्शन भी कर लेंगे। दर्शन भी क्या है, मेरे को तो काफी मजा आ रहा है। हाँ भीड़ देगी भाई लोग, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा भीड़ है सही में। जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं मतलब नहीं आ रहे हैं, मतलब इंडिया में ना भक्त की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सही में एक लड़के की तो वो तो खेल चुके हैं अभी से, नहीं भाई अगर तुम नाच नहीं गए ना फिर तो मैं सीधे घर जाऊँगा, फिर रात में रुक के फायदा क्या, रात में पहुँच जाएंगे आराम से, 1 बजे 2 बजे 3 बजे तो बस तो वो चीज़ है ना, मंदिर के मजे लो। हाँ बस सिनेमेटिक शॉट्स बनाने पड़ेंगे मेरे को भाई, दर्शन कर लिए और फोटो वोटो वीडियो वगैरह हमने बनवा लिए अपनी पोस्ट वगैरह करने के लिए, लोगों को चलाने के लिए। अब मंदिर एक्सप्लोर करता हूँ पूरा ढंग से, बहुत ज़्यादा भीड़ है अभिषेक। हेलो अरे तो गाइस उस पत्थर को दिखाता हूँ मैं जो बाढ़ के टाइम पे आके गिर गया था, जिसने मंदिर को हिलने नहीं दिया था, अभी दिखाऊंगा ये मंदिर पीछे से। ये रहा वो पत्थर, ये रहा वो पत्थर जो मंदिर के पीछे आगे गिरा था, जिसकी वजह से मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। और जब पानी आया था तो पानी 2 भाव में बट गया था, मंदिर सेफ रहा था बिल्कुल। मौसम तो बहुत मौसम हो रहा है, ये वही पत्थर है ना, हाँ ये वही पत्थर है जिसने मंदिर को बचाया था। कहाँ जा रहे हो? बहुत ही अमेजिंग है ये पत्थर, बर्थ है लोग, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है सही में। हाँ ये इस बार इस
पास अक्टूबर में सबसे ज़्यादा भीड़ आई है अब तक। लोगों से हमने बात करी, सबसे कह रहे हैं कि इतनी भीड़ सावन में भी नहीं थी जितनी भीड़ अब इस वक्त आई है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। उमापति शिव उमापति की उमापति शिव शिव उमापति तो भाई देखो मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। हम दर्शन करके निकल चुके हैं, लाइन तोड़ के घुस गए, अंदर दर्शन कर लिए, फाइनली हमने हजारों को पीछे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया हमने, अपने 5-6 घंटे बचा लिए। अब हम जा रहे हैं वापस अपने कैंप पे, वहाँ से अपना सामान उठाएंगे, फिर ट्रैकिंग डाउन वाली करेंगे। सीधे नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के डिसाइड करेंगे क्या करना है। अभी तो हमने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा है, अभी हमको ये नहीं पता कि हमें तुंगनाथ जाना है या नहीं जाना, वो अब नीचे जो उतरेंगे उसके बाद पता चलेगा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे चलना हाँ। है कि नहीं चलना है, होप सो जो भी होता है देखते हैं, जो भी होगा आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, हाँ, वो ब्लॉग में मिलेगा। चलो, और जो किसी ने दिखाया होगा वो हम दिखाएंगे मेन केदारनाथ के दर्शन। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हमने आधा रास्ता क्रॉस कर दिया है और हम आधे ज्यादा अब यहाँ से गौरीकुंड बस वही 4-5 किलोमीटर है और ये प्यार है जिसको हम कवर कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देख के डर लग रहा है मेरे को, तो काफ़ी फनिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, तो पहली बार इतनी लंबा ट्रैक कराया मैंने, मज़ा ही आ रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैंने काफ़ी इन्जॉय करा इस ट्रैक को, काफ़ी इन्जॉइंग था मेरे लिए वैसे ही। ये बहुत बढ़िया, बहुत, ये तो जरूर डालूंगा। हम नीचे उतर आए गौरीकुंड पे और हम जा रहे हैं अपनी बाइक्स लेने, तोते फेल हो चुके हैं सबके, तोते फेल हो गए। कौन भाई, चलो लद्दाख घर जाना है, घर जाना तुम के बाद, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो।